रतलाम जिले में जावरा के हुसैन टेकरी के पड़ाव स्थल के पास रविवार तड़के दर्दनाक मंजर सामने आया, जब दिनेश नामक युवक ने अपनी बेटी और बेटे को जहर देकर मार दिया और पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से भाग निकला। युवक को उसकी पत्नी ही हुसैन टेकरी पर होली पर होने वाले कार्यक्रम के लिए लेकर आई थी। बताया जाता है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए उसे हुसैन टेकरी लाया गया था। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद युवक मौके से भाग निकला है, जिसकी तलाश में जुट गए हैं। घायल महिला को जिला अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया गया है। एएसपी सुनील पाटीदार ने बताया कि सुबह के समय हुसैन टेकरी चौकी पर सूचना मिली थी कि एक महिला घायल है और दो बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और घायल महिला और दोनों बच्चों को जावरा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। मृत बच्चों में आदित्य 16 वर्ष और पुत्री राखी 13 वर्ष है। इन दोनों को जहर दिया गया था। पत्नी अनीता गंभीर रूप से घायल है, उसका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। युवक मानसिक रूप से कमजोर था और मंगलवार को ही उसे पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ हुसैन टेकरी लेकर आई थी। उसका इलाज भी चल रहा है और इसी वजह से उसे पत्नी यहां लेकर आई थी कि वह ठीक हो जाए। एएसपी पाटीदार के अनुसार घटना सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच की हो सकती है। घायल पत्नी अनीता को जावरा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यहां उसे भर्ती करके इलाज के लिए रवाना किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार युवक और उसका परिवार इंदौर का रहने वाला बताया जाता है। इंदौर में कहां रहते थे, यह फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि महिला अभी गंभीर रूप से घायल है। दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा कि असली कारण क्या है। आरोपी युवक दिनेश की मां केसरबाई को सुबह घायल बहू अनीता ने सूचना दी कि दिनेश ने उसे चाकू मार दिया है। इसके बाद केसरबाई बेटे महेश और पुत्री दुर्गा के साथ इंदौर से सुबह करीब 11 बजे जावरा पहुंचे और बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केसरबाई ने बताया कि दिनेश का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से साल में एक आध बार वे हुसैन टेकरी आते ही थे। मंगलवार को भी ये पति पत्नी और बेटा बेटी के साथ आए थे। दिनेश उनका बड़ा लड़का है। टीम भारती न्यूज। बता दिया सर, नहीं आप बताना पड़ेगा रिकॉर्ड के लिए। बोले ही नहीं जा रहा मेरे से। नहीं, ये हादसा कैसे हुआ? पति ने आपको कैसे मारा? पागल है सर पति, आपको पागल से भी ज्यादा पागल है। तो आप पे चाकू मारा गया उसने? हाँ। और बच्चे? बच्चे क्या मालूम क्या करा बच्चे के साथ उसने। क्या नाम है बच्चों का? अदित और राखी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि बच्चों को कुछ हुआ है? सुबह देखा मैंने। देखने पर क्या मालूम हुआ? उठ नहीं रहे थे। फिर आपने किसको सूचना दी? मेरे देवर को फोन लगाया। क्या नाम है आपके देवर का? महेश। फिर क्या हुआ आने के बाद? ये पुलिस में ले आया। आपका पति कहाँ है? वो तो भाग गया। आपको चाकू कब मारा था? रात को मारा था। क्या करता है आपका पति? मजदूरी करता है। कहाँ है देवर? क्या मालूम किधर भाग गया। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। और यहाँ पर कहाँ आए थे? बाबा हुसैन टेकरी। कितने समय से आ रहा हूँ? ऐसे तो बहुत समय से आ रहे हैं हम। यहाँ चूल है ना, चूल के मारे पहले 4 दिन पहले आए थे। आपको रात में चाकू मारा था? हाँ। आपको जब चाकू मारा तो आपने सूचना किसी को मुझे चाकू मारा? सो गई थी ना। होश कब आया आपको? सुबह आया। क्या नाम है आपका? अनीता। आपके पति का? दिनेश। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। और जो बच्चों के नाम क्या है? राखी और अदित। गाड़ी लेके आए, पैसे दिया मैंने कि भाई तुम जावरा जा रहे थे, आप चले जाओ, लड़ झगड़ के भी नहीं आए हो। और यहाँ भी वो पहले भी 2 साल रखे गए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। पर आप क्या मालूम उनके क्या है उरादे में, तो थी नहीं यहाँ सुबह। आपको कैसे मालूम पड़ा इनके साथ ही होगा? वो फोन लगे थे। किसने? ये बहू ने। क्या बोला? तो बोले दोनों छोरे की तबीयत क्या मालूम अचानक सोए के सोए है, ये उठे नहीं, आप आओ, बोले इनको बुखार है क्या है नहीं। तो मेरे को दिमाग में लगा तू जाके चौकी फोन करके वो तू इनको छोचने में भर्ती कर दो, दिमाग से निकल गए मेरे। तो अब आए देखे तो बच्चे ऐसे हो गए, इसको क्या मालूम। फिर दोनों की लड़ाई हुई। बच्चों को क्या हुआ? बच्चों दो ही शांत हो गए ना, दोनों शांत हो गए। हाँ, लड़ाई हुई? लड़े मेड़े नहीं हुई है कुछ भी, लड़े झगड़ा कुछ भी इन्हें भी नहीं करा, उन्हें भी नहीं करा। आपको क्या बताया? मेरे को यही बताया, बोले सोए के सोए बच्चे रह गए, फेस आ रहा था मुँह में, वो हमने साफ करा। ऐसा लगता है पॉइजन वगैरह दिया? हाँ, ऐसा कुछ खाया है वो। ये भी उल्टी करी ना पहू ने भी। अच्छा। ये भी उल्टी करके बाहर हो गए, बच्चे ने उल्टी नहीं करी सो गए। तो इसको उल्टी इसको नहीं मालूम किसने खिलाया? ये नहीं मालूम है किसने खिलाया अभी, वो भी क्या मालूम, वो भी डर के मारे भग गया। वो पहले तो हाजिरी भरता, वो डरता है हमलाकों से, वो
तो वो देख लिया तो माँ बाप मारेगा कूटेगा, वो गुस्से में दोनों बच्चे देख के इसको मार दिए उन्होंने गुस्से में, तो बोले बच्चे क्या हो गया, ऐसा लगता है बच्चों को उसी ने मारा? नहीं ऐसा थोड़ी होता सर, अपने वाला तो कोई मार सकते क्या बताओ। फिर किस पर शंका है? संख्या नहीं, वो कुछ खाने पीने में आया है, चाकू में तो मारा है वो, फिर उनको दोनों की बात डर के मारी इसको मार दिए उन्होंने कि मेरे बच्चों को क्या कर दी तूने, क्या हो गया ऐसा। क्या नाम है किसका? आपका? मेरा नाम केसरी है। और जो आपके लड़के का नाम? दिनेश है। ये आपकी बहू है? बहू है मेरी, मेरे साथ में रहती है। क्या नाम है इसका? अनिता। और बच्चे जो शांत हुए? वो मेरे पोता पोती है दोनों। क्या नाम है? एक का नाम आदित्य, एक का नाम राखी है। कितनी उम्र हुई? चौकी क्षेत्र में जहाँ थाना आई है जावरा क्षेत्र लगता है, वहाँ सुबह सुबह चौकी पर एक सूचना प्राप्त होती है कि एक महिला घायल है और उसके दो बच्चे जो है वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती है और वो बच्चों को हॉस्पिटल भिजवाती है, जहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर उनको मृत घोषित करता है। और जो महिला थी वो घायल थी, उसको भी तत्काल भिजवाया। वहाँ जाकर जब महिला से साधारण तौर पे जो पूछताछ हुई है प्राथमिक तौर पे, तो उनका ये कहना है कि उनका पति और महिला और दो बच्चे यहाँ पिछले मंगलवार से यहाँ आए थे अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के हिसाब से, और उसके बाद में उसने कुछ मतलब बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया चीज़ों को, पर अभी हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चों की डेथ हुई उसमें पीएम करवा रहे हैं, पीएम करवाने के बाद में उसकी उनकी मृत्यु का कारण है वो और पता चलेगा। और महिला को यहाँ से एडमिट करवाया है रतलाम के लिए, तो रतलाम में वो डिटेल उसके स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद जो प्राथमिक स्टोरी है चूँकि महिला उसमें पड़े था तो वो बताएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी वो जो दिनेश है जो उनके पति है वो अभी यहाँ है नहीं, और जो आसपास के लोगों से जानकारी लगी कि सुबह यहाँ से वो निकल गए हैं, तो प्राथमिक तौर पर हमको ये लग रहा है कि उसने कोई घटना कारित की है, इस हिसाब से यहाँ से निकला है। परिजन आ गए हैं, उनके परिजनों के सामने उनका पीएम और बाकी कार्रवाई करवाएंगे। आगे फिर जो भी होगा फिर आप लोगों को ब्रीफ अलग से करेक्ट किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।